Let us start with the next question. The East India Company had thought that they had found an ideal puppet in Mir Qasim, and Mir Qasim, however, belied the expectations of the company. So, examine critically. तो हमने ये बताना है कि उनको तो लगा था कि बैटल ऑफ प्लास्टिक के बाद जब मीर कासिम बैटल ऑफ बेदरा के बाद देखो बैटल ऑफ प्लास्टिक के बाद तो मीर जाफर को बैठाया. मीर जाफर भी फिर बाद में अपोज करने लगता है ब्रिटिशर्स को, तो मीर जाफर डच के साथ मिलके ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करता है, तो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ बेदरा. जब ये लोग हटा देते हैं मीर जाफर को और मीर कासिम को लाकर बैठा देते हैं, अब मीर कासिम भी तकलीफ देने लगा ब्रिटिशर्स को, तो इसलिए मीर कासिम को हटाने की तैयारी होने लगी. हालांकि लगा ऐसा था कि मीर जाफर के बाद कासिम को बिठाएंगे तो ये हमारे हाथों का पपेट रहेगा जैसे जाफर था, बल्कि शायद उससे भी बेटर रहेगा. लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई. तभी लिखा है इट बिलाइड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, कंपनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया. तो हुआ क्या कि जब कासिम ने यहाँ पर अपोज करना स्टार्ट किया, उसने कहा कि दैट यू पीपल आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, वेयरएज द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स द डोमेस्टिक ट्रेडर्स वर पेइंग द टैक्सेस, सो तुम्हें भी पे करना चाहिए, यू आर ऑल द मोर मतलब आउटसाइडर्स हो तुम. तो वहाँ पर जब अपोजिशन देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, सो दे डिसाइडेड कि अब मीर कासिम को भी जाना होगा. एंड देन इट्स देन व्हेन बैटल ऑफ बक्सर स्टार्टेड. ठीक है, तो ये था. अब यहाँ पर मीर जाफर फेल्ट रेस्टलेस बाय द एग्जैक्टिंग एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स इन बंगाल. और दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि जिस तरीके की ज़रूरतें यहाँ पर होती हैं एक राज्य को चलाने के लिए, मीर कासिम के पास वो कुछ नहीं था, मीर जाफर के पास वो कुछ नहीं था. सो मीर जाफर क्या करने लगता है, फंड्स उसके शॉर्ट होने लगते हैं, तो गवर्नमेंट के फेवर के अंदर या गवर्नमेंट के साइड से वो ये चाहता था कि भाई इम्प्रूवमेंट कुछ हो, जबकि नहीं हो रहा था. एंड पीपल ऑफ बंगाल जो हैं, जब एक राजा परफॉर्म नहीं कर रहा और वो एक इनडिफरेंट एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेता है, मतलब उसको परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है जनता के साथ, या एरिया के अंदर कोई वेलफेयर का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जनता भी राजा के खिलाफ खड़ी होने लगती है. राइट, सो पीपल ऑफ बंगाल भी जो थे दे बिगिन टू यू नो क्रिटिसाइज हिम जिस तरीके से वो काम करता था. और उसे एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली थी लोगों की कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाए और ये यू नो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे, जो कि वो नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ हिज अटेंशन टुवर्ड्स द पीपल. एंड देन पीपल रोज अगेंस्ट नाउ बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो ही इज सफरिंग अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज पब्लिक. ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी बिग रीजन. अब वो चाहेगा कि नहीं भाई जनता विद्रोह ना करे तो मैं जनता के लिए काम करूँ. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मीर जाफर को जब जीत यहाँ पर मिलती है, सिराजुद्दौला को हटाया जाता है, सिराजुद्दौला को हटाने के बाद बहुत सारे पैसे डिमांड किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो पैसे पे करते करते इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है यहाँ पर. इन सर्कमस्टांसिस के अंदर ब्रिटिशर्स जो हैं दे प्लान टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव सक्सेसर, वो ढूंढने लगे कि भाई अब नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल और ये हमें दिक्कत दे रहा है, हमसे डिमांड कर रहा है फंड्स की. उस वक्त पे उन्होंने उनके सन इन लॉ मीर जाफर का जो सन इन लॉ है मीर कासिम, उसको डिसाइड करते हैं कि आओ चलो इसको बिठाते हैं हम लोग. ठीक है, और यहाँ पर जो कैलकटा के गवर्नर हैं वो भी तैयार हो जाते हैं मीर कासिम को सपोर्ट करने के लिए. इन शॉर्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स आर विद मीर कासिम एंड एंटायर प्लान इज अगेन उसी तरीके ट्रेचरी वाला एक काम कर दिया गया कि मीर जाफर को डिपोज करेंगे, ट्रीटी एक साइन कर लेते हैं, कासिम और कंपनी के बीच में हो जाती है कि कासिम भी फिर फ़ायदा पहुंचाएगा जब कासिम बनाया जाएगा. ठीक है जी, तो मीर कासिम ने अग्री करता है कि कंपनी को वो कुछ एरियाज या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बंगाल के अंदर, बर्दवान चितगोंग वगैरह जैसे, ये वो देगा. नाउ कंपनी जो है ऑल्सो दे सेड दैट कि इनका जो एक सिलहत के अंदर ट्रेड है उसका भी आधा हिस्सा जो है they it will go to the Britishers.
मीर कासिम अग्रीड टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज, जो बचा रहा था जो मीर जाफर नहीं दे पाया, ये कहता कि मैं दूंगा. ऑल्सो ही प्रोमिस्ड 5 लाख रुपीज़ टुवर्ड्स फाइनेंसिंग कंपनीज वॉर एफर्ट्स इन सदरन इंडिया. साउथ इंडिया में लड़ाई लड़ रहे थे, कहते हम पैसा देंगे. कितना? 5 लाख रुपये. ऑल्सो मीर कासिम के जो एनिमीज़ हैं वो कंपनी के एनिमीज़ माने जाएंगे और उसके फ्रेंड्स कंपनी के फ्रेंड्स माने जाएंगे. इट वॉज अग्रीड दैट टेनेंट्स ऑफ नवाब्स टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड ऑफ कंपनी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो जो इधर वाले हैं वो इधर अपनी टेरिटरी में, आपके वाले आपकी टेरिटरी में, एक दूसरे की ट्रेस पासिंग नहीं करना है. सो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा दैट दिस आइडियल पपेट वी हैव फाउंड इन मीर कासिम. एंड मीर कासिम जिसने ये 4 साल तक रूल किया, ही वॉज एन एबल नवाब एंड ही वॉज टैलेंटेड, ही वॉज विग्रेस एम्बिशियस, अपने मीर जाफर से ज़्यादा बेटर था ये. इसने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया द आइडिया ऑफ बींग अ पपेट. उनको लगा था कि पपेट है लेकिन वो नहीं निकला पपेट. उसने यहाँ पर रेज करना शुरू कर दिया अपने डिमांड्स को, अपने जो अथॉरिटी था उसको वो शो करने लग जाता है. स्टेप्स टेकन बाय कासिम विच बिलाइड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी. इसमें क्या है, बिलाइड द एक्सपेक्टेशंस मतलब वही पानी फिर गए एक्सपेक्टेशंस पे. कैसे? जैसे ही पावर के अंदर आता है, एक तो पहले अपनी कैपिटल बदलता है. उधर जहाँ पे उनका गढ़ था कलकत्ता वाले एरिया में, मुर्शिदाबाद पास में ही पड़ता था, वहाँ से उठा के मुंगेर ले आता है सबसे पहले. तो क्यों? सेफ डिस्टेंस हो जाएगा कंपनी से. अदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या थे? ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने लोगों को, अपने चहेते, अपने ट्रस्टवर्दी लॉयलिस्ट्स को ये रखता है. ही अंडरटुक सम रिफॉर्मेशन अंडर विच देर वॉज अ रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देर वॉज रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड न्यू टैक्सेज वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. In order to fortify his position against the British, he organized his troops and set up factories, ammunition ke factories, arms ke factories yahan pe set up kar liye. Western fashion ke andar army ko train karna shuru kar diya, to obviously samne wale ko to problem hone wali hai. Theek hai. Unable to stop the misuse of dastaks, the new Nawab abolished internal duties altogether. To kehta kya hua problem? Dastak is a special privilege, a special farman, golden farman given to the Britishers, East India Company. कि तुम लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू पे द एनुअल अमाउंट ऑफ सर्टन रुपीस, लाइक लेट्स से इन गुजरात, इन सूरत बेसिकली उनको अलाउड था. सो दे आर गोइंग टू पे अराउंड 10,000 रुपीज़ एन ईयर. बंगाल के अंदर यू विल पे 3,000 ईयर. और भी कुछ इस तरीके के फरमान में बातें थी. तो अब द प्रॉब्लम इज़ कि मेरा जो इंडिया का ट्रेडर है वो तो टैक्स दे रहा है और तुम बाहर वाले तुम टैक्स नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट सस्ता बिक रहा है और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है. अल्टीमेटली यू आर बेनिफिटिंग, तो टैक्स जनरेशन हो नहीं रहा भाई मेरे देश के अंदर, मेरे इस एरिया में तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हो और ट्रेजरी खाली है. तो ऐसे में कहता है कि दस्तक आपके कैंसिल किए जाए. तो कहते नहीं, हमें तो फारूक सियार देकर गया था. तो इन्होंने कहा अगर फारूक सियार देकर गया था तो द टाइम हैज़ गॉन, वी आर नाउ इंडिपेंडेंट, अर्लियर वी वर पार्ट ऑफ एम्पायर, अब तो अलग हो चुका है, इंडिपेंडेंट एरिया हो चुका है. अच्छा, फिर दिक्कत ये आई कि वो मान नहीं रहे. तो इसने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे ड्यूटी तो मेरा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी नहीं देगा. ऑब्वियसली पता था कि कॉम्पिटिशन रेस होगा इससे और ब्रिटिशर्स को तकलीफ है बिकॉज ऑफ दैट इशू, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिवनेस. कॉम्पिटिटिवनेस ही तो ख़त्म करने का पॉइंट था सारा का सारा. तो इसीलिए जब ये एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मिल रहा था ब्रिटिशर्स को, वो हटाया जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है. बाकी ट्रेडर्स को यहाँ पे थोड़ा स्पेशल व्हील करवाया जाता है जो इंडिया के थे. बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई थी यहाँ पे कलकत्ता के गवर्नर के थ्रू, ही डिड नॉट रिड्यूस हिज मिलिट्री फोर्सेस. ठीक है, नहीं रिड्यूस करता अपनी मिलिट्री फोर्सेज को. एंड ऑल दीज मेजर्स ऑफ मीर कासिम ग्रेजुअली इनकर डिसप्लेजर ऑफ द ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स फील करने लगे कि भाई ये तो हाथ से बाहर जा रहे हैं, तो हमें सोचा था कि पपेट होगा लेकिन ये तो कोई काम ही नहीं ऐसा कर रहा. नवाब कंपनी टसल ओवर ट्रांजिट ड्यूटी, दैट इज़ ट्रांजिट, आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू विल हैव टू पे दैट. सो ट्रांजिट ड्यूटी के इश्यूज आने लगते हैं एंड इंग्लिश गेन सक्सेसिव विक्ट्रीज इन 3 सक्सेसिव बैटल्स एंड बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर विच इवेंचुअली कंपेल्ड कासिम टू फ्ली टू अलाहाबाद वेयर ही मेट शुजाउद दौला. तो यहाँ पर वो जाता है और यहाँ पे बैटल वो प्लानिंग करते हैं. देन द कम्बाइंड आर्मीज फॉट एंड देन ही वॉज रिमूव्ड, ही वॉज रिप्लेस्ड विद मीर जाफर आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, हु वॉज वंस मोर वंस अगेन अ पपेट
that had been handled even before. So once again, Mir Jafar comes and he acts as the puppet of the British. ठीक है.